العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، عزیز طلبہ کرام، مصنف قدوری رحمۃ اللہ علیہ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَكَذَلِكَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ، یعنی جب تفریق کر دی قاضی نے زوجین کے درمیان نکاح فاسد میں دخول کرنے سے پہلے، صحبت کرنے سے پہلے، تو عورت کو کوئی مہر نہیں ملے گا، اور اسی طرح اگر قاضی نے تفریق کیا ہو ان دونوں کے درمیان خلوت کے بعد، تب بھی اسے کوئی مہر نہیں ملے گا. فَإِن دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، ہاں اگر قاضی نے ان کے درمیان تفریق کیا ہو اس سے دخول کر لینے کے بعد، تو اب اس عورت کو مہر مثل ملے گا. وَلَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى، لیکن مہر مسمہ سے زیادہ نہیں ملے گا. وَعَلَيْهَا الْعِدَّتُ، اور اب اس عورت پر عدت گزارنا بھی لازم ہوگی. وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ، اور اس سے بچہ پیدا ہو جائے تو اس سے نسب ثابت ہو جائے گا. عزیز طلبہ کرام، مصنف علیہ رحمہ یہاں سے اس عبارت میں نکاح فاسد کے حکم کو بیان کر رہے ہیں. نکاح فاسد کسے کہتے ہیں؟ نکاح فاسد وہ نکاح کہلاتا ہے جس میں شروط صحت نکاح میں سے کوئی شرط مفقود ہو، نہ پائی جائے. مثلا زوجین کا بلا گواہ کے ایجاب و قبول کر لینا، اسی طرح ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کر لینا، یا جس عورت کو طلاق دیا ہے ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، وہ عدت میں ہے، اور اس کی بہن سے نکاح کر لینا. اسی طرح کوئی مطلقہ یا متوفی عنہا زوجہا ہے، عدت میں ہے اور اس سے نکاح کر لینا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو تو مفسد نکاح ہیں، لہذا اس طرح نکاح کرنے کو نکاح فاسد کہا جاتا ہے. انہیں تو چاہیے کہ خود ہی الگ ہو جائے، لیکن پھر بھی اگر الگ نہ ہو، یہاں تک کہ ان کا معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا، تب قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا. لہذا یہاں نکاح فاسد کے احکام جو مذکور ہیں وہ چند باتیں ہیں. نمبر ایک، مہر مثل کا واجب ہونا، بشرطے کہ وتی ہو گئی ہو، یعنی قاضی نے ان کے درمیان تفریق کیا ہو ان کے وتی کر لینے کے بعد، صحبت کر لینے کے بعد، تو اب چونکہ اوپر کہا گیا کہ مہر مثل واجب ہوگی. ہاں،
सोबत करने से पहले अगर जो है तो तफरीक कर दिया हो तो उसे कुछ भी महर नहीं मिलेगा, न मुसम्मा न निस्फ, क्योंकि निकाह फासिद में नफ़्से अक़्द निकाह से महर वाजिब नहीं होता, बल्कि मुनाफ़े बुज़ा के सबब से महर वाजिब होता है। लिहाजा सिर्फ़ खलवत से महर वाजिब नहीं होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि निकाह फासिद में औरत के साथ जमा करना, सोहबत करना हराम है। तो यहाँ माने शरई हुआ, और जब माने शरई पाया गया तो खलवत सहीहा नहीं पाई गई, इसलिए जो है तो कुछ भी महर वाजिब और लाजिम नहीं होगा और वो औरत महर की हकदार नहीं होगी, क्योंकि खलवत सहीहा वती के कायम मुकाम होती है और यहाँ खलवत सहीहा नहीं पाई गई, इसलिए वती के कायम मुकाम नहीं हुई। फिर दूसरी बात यह कि महर मिसल महर मुसम्मा से जायद भी नहीं होगी, क्योंकि महर की कमी पर तो औरत खुद ही राजी थी, यहाँ तक कि अगर महर मिसल महर मुसम्मा से कम हो तब भी महर मिसल ही लाजिम होगी न कि मुसम्मा। नंबर दो, वजूब इद्दत, यह भी एक दूसरा हुक्म है कि इद्दत वाजिब हो जाएगी अगर शौहर बग़ैर वती के मर जाए या निकाह को फस्क कर दे तो औरत पर तलाक की इद्दत वाजिब होगी, यानी तीन हैज या तीन महीने या वज़े हमल। और तीसरी बात, तीसरा हुक्म ये है कि नसब साबित होगा, यानी अगर वती कर लेने की वजह से हमल ठहर गया, बच्चा पैदा हो गया, तो अब उसका नसब मर्द से साबित हो जाएगा। खैर, आगे मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, वमहरु मिसलिहा युतबरु बिअखवातिहा व अम्मातिहा व बनाति अम्मातिहा वला युतबरु बिउम्मिहा व खालतिहा इज़ा लम तकूना मिन कबीलतिहा। यानी महरे मिसल का एतबार उसकी बहनों और उसकी फूफियों और उसकी चचाजाद बहनों से होगा, उसकी माँ और खाला से महर मिसल का एतबार नहीं होगा, जबकि वो दोनों उसके ख़ानदान की ना हो। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर महर मिसल को बयान कर रहे हैं कि महर मिसल का एतबार किस किस्म की औरत से होगा। तो यहाँ ये बता दिया गया कि महर मिसल का एतबार जिस लड़की का निकाह किया जा रहा है आज, तो उससे पहले उसके ख़ानदान में मसलन उसकी बड़ी बहन का निकाह किया जा चुका था, तो उसका जो महर था वो महर आज इस लड़की के निकाह में मुकर्रर किया जाए तो उसे महर मिसल कहेंगे। या तो फिर उसकी फूफी का निकाह हो चुका था या चचाजाद बहनों का निकाह हो चुका था, उनमें से किसी का महर मुकर्रर किया जाए इसके लिए तो ये महर मिसल कहलाता है। तो महर मिसल का एतबार गोया के बाप के ख़ानदान से हुआ
बाप के कबील से हुआ न के माँ के कबील से। इसलिए आगे मुसन्निफ़ ने कहा कि उसकी माँ और खाला के महर का एतबार नहीं होगा। कब? जबकि वो उसके ख़ानदान से और उसके कबील से ना हो। हाँ, अगर ये दोनों यानी माँ और खाला भी अगर लड़की के बाप के कबील से हो, बाप के ख़ानदान से हो, तो उनका महर बेटी के लिए मुकर्रर करना सही होगा और महर मिस्ल कहलाएगा, जिसकी सूरत कल बता दी गई थी। वयुतबरु फी महरिल मिस्लि अन तसावियल मरअतानी फिस सिन्नि वल जमाली वल माली वल अक्ली वद्दीनी वल नसबी वल बलदी वल असरी वल इफ्फती। यानी मेरे मिसल का एतबार किया जाएगा इस सूरत में कि वो दोनों औरतें बराबर हों उम्र में, हुस्न में, माल में, अक्ल में, दीन में, नसब में, शहरी होने में, असर में यानी हम असर होने में और पाक दामनी में। यहाँ मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह जो है तो ये बताना चाहते हैं कि जिस लड़की का आज निकाह हो रहा है मसलन, तो वो मेरे मिसल की हकदार होगी या नहीं? अगर होगी तो किस सूरत में होगी? उसके लिए भी कोई शर्त होनी चाहिए, क्योंकि हर औरत यकसा नहीं होती। मेरे मिसल चूँकि ख़ानदानी महर होता है और वो भी ज़्यादा महर होता है, तो ज़्यादा महर पाने के लिए जो है तो उस लायक भी होना चाहिए। इसीलिए मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि जिस लड़की का निकाह हो रहा है वो मेरे मिसल की हकदार बनेगी, इस तरह के उससे उसकी बहन का निकाह हुआ था या उसकी फूफी का या चचाजात बहनों का निकाह हुआ था, तो वो और ये दोनों उम्र में बराबर हों। का मतलब ये कि इससे पहले उसकी बहन का जो जब निकाह हुआ था तो जिस उम्र में हुआ था उस उम्र को पहुंच गई है ये भी, तो और इसका भी उसी उम्र में निकाह हो रहा है, तो यह उम्र के एतबार से बराबर कहलाए। कि मसलन ज़ैनब की बहन का निकाह रुकैया नाम था, बड़ी बहन का, उसका निकाह हुआ था जब, तो वो उस वक्त 18 साल की थी। वो भले 5 साल 10 साल पहले निकाह हो चुका हो और आज ज़ैनब का निकाह हो रहा है, तो इसकी उम्र भी इसी के आसपास हो तो उम्र में बराबर होना कहलाएगा। कि जैसे आज ज़ैनब 17 साल 18 साल 20 साल की हो गई है, 22 साल की हो गई है, तो ये उम्र के एतबार से और हम असर होने के एतबार से बराबर हो गए। जैसे आखिर में मुसन्निफ़ ने कहा है वल असरी, और हम असर होना भी, तो ये इस एतबार से दोनों बराबर हो गए। तो अब ज़ैनब भी महर मिस्ल की हकदार होगी। एक बात, यहाँ 9 बातें 9 शर्तें रखी गई हैं, उनमें से एक ये हुआ। दूसरा है हुस्न जमाल, कि ज़ैनब की बहन का ज़ैनब की बहन जैसे हुस्न वाली थी वैसी हसीन ज़ैनब भी है, करीब करीब, यह नहीं कि बिल्कुल हू बहू। हुस्न जमाल में दोनों गोया के यकसा हैं, तो महर मिस्र की हकदार ज़ैनब बनेगी।
इसी तरह जब ज़ैनब की बहन का निकाह हुआ था, उस वक्त ज़ैनब का बाप साहिब सरवत था, लेकिन आज वो उस पोजीशन का नहीं है, तो मेरे मिसल की हकदार नहीं बनेगी। हाँ, अगर उस जैसा ही है तो मेरे मिसल की हकदार बनेगी। अक्ल में भी सूझबूझ, सलाहियत, ज़कावत में भी दोनों बहनें अच्छी हों, एक जैसी हों। इसी तरह दीनदारी में भी दोनों बहनें एक जैसी हों। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे मिसल की हकदार बनेगी। व नसबी, नसब में भी दोनों यकसा हों तो मेरे मिसल की हकदार बनेगी। शहरी होने, हम असर होने और पाक दामन होने में भी बराबर हों तो मेरे मिसल की हकदार बनेगी, वगैरह। السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.